अस्सलाम वालेकुम एवरीवन स्टूडेंट्स एंड अदर्स पीपल्स हु इज़ वाचिंग टू मी। इस ग्रामर के साथ मैं हूँ वाहिद बख्श सिंगोरो। टुडे वी विल लर्न द थर्ड, इसको थर्ड नहीं बोलते, इसको बोलते हैं थर्ड, थर्ड स्टेप ऑफ बेसिक लेवल। आज हम ग्रामर का जो है तीसरा हिस्सा पढ़ेंगे, जो है थर्ड स्टेप ऑफ बेसिक लेवल टू बी फ्यूचर। इसमें हम किसका इस्तेमाल करेंगे, यूज़ ऑफ विल बी एंड शल बी का इस्तेमाल करेंगे। विल बी के साथ कौन से प्रोनाउन लगते हैं, ही शी इट यू दे, एनी सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, ये लगते हैं विल बी के साथ। और शल बी के साथ कौन से प्रोनाउन लगते हैं, ओनली वी आई, ये दोनों शल बी के साथ लगते हैं। और इसकी सैम्पल्स, सैम्पल्स मीन्स निशानियाँ, इसकी सैम्पल्स हैं होगा, होगी, होंगा, होंगी, होंगे, होंगे, होगे। और फार्मूला, फार्मूला मीन्स तरीके का, फार्मूला मीन्स तरीके का। फार्मूला मैं आपको लिखकर बताता हूँ कैसे बनता है फ्यूचर टू बी। यह है थर्ड स्टेप फार्मूला। पहले पहले नाउन एंड प्रोनाउन, प्लस में विल बी और shall be, प्लस में चलेगा, यानी कि डॉट। यहाँ पर क्या आएगा, चलेगा मगर आएगा क्या, एडजेक्टिव आएगा। एडजेक्टिव मीन्स क्वालिटी, क्वालिटी मीन्स खूबी। और नेगेटिव का बनाते हैं हम, नेगेटिव में आएगा नाउन एंड प्रोनाउन, प्लस में विल एंड shall, then we will use plus में not, और जो be है वो not के बाद आएगा, not plus में be plus में चलेगा dot। इंट्रागेटिव में पहले क्या आएगा, इंट्रागेटिव पहले आएगा will, shall, will and shall plus में नाउन एंड प्रोनाउन प्लस में चलेगा, यानी कि डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और इंट्रागेटिव एंड नेगेटिव में फर्स्ट एंड फर्स्ट वी विल यूज विल एंड शल, विल एंड शल प्लस में नाउन एंड प्रोनाउन प्लस में नॉट प्लस में बी, नॉट बी प्लस में चलेगा, और लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना। और एक मुझसे गलती हो गई है इंट्रागेटिव में, यहाँ पर नाउन एंड प्रोनाउन प्लस में बी आएगा, बी के बाद प्लस में चलेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंट्रागेटिव नेगेटिव विल एंड शैल प्लस नाउन एंड प्रोनाउन प्लस में नॉट प्लस में बी चलेगा क्वेश्चन मार्क, लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, इसका एग्जांपल फ्यूचर टू बी का मेरे पास लिखा हुआ है, वो खुश नसीब है होगा, ये है फ्यूचर टू बी का। तो हम पहले नाउन एंड प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, ही के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, ही विल बी, यानी कि विल बी लगता है, ही विल बी लकी, ही विल बी लकी, वह खुश नसीब होगा। ही विल, ये नॉट और ये बी, ये लकी, वो खुश नसीब नहीं होगा, यानी कि इंट्रागेटिव का है, वो खुश नसीब नहीं होगा। और उर्दू में ऐसे ही बनेगा, और इंट्रागेटिव में बनेगा विल ही बी, विल ही बी लकी, वाह।
ये इंट्रागेटिव में आए, ये उर्दू में इंट्रागेटिव इसकी बनेगी क्या वो खुश नसीब होगा, और इंट्रागेटिव नेगेटिव में बनाता हूँ, विल ही नाट बी लक्की। वाह लक्की, क्या वो खुश नसीब नहीं होगा। और दूसरा एग्जांपल इसका मैं देता हूँ, मेरे पास लिखा हुआ है, ये कहता है अल्लाह हर जगह पर होगा, इसकी इंग्लिश क्या होगी, गॉड विल बी एट ऑल ओवर, एट ऑल ओवर, खुदा हर जगह पर होगा। खुदा बोले या अल्लाह बोले सेम ही बात है, अल्लाह हर जगह पर होगा, गॉड विल बी एट ऑल ओवर। और नेगेटिव बनेगा, गॉड विल नाट बी एट ऑल ओवर, खुदा हर जगह पर नहीं होगा, इसका नेगेटिव ऐसे बनेगा। और इसका इंट्रोगेटिव ऐसे बनेगा, विल गॉड बी एट ऑल ओवर, ये क्वेश्चन मार्क लाजमी है। अल्लाह हर जगह पर होगा, अल्लाह हर जगह पर नहीं होगा, क्या इंट्रागेटिव में आएगा, क्या अल्लाह हर जगह पर होगा, और इंट्रागेटिव नेगेटिव में आएगा, विल गॉड नाट बी एट ऑल आवर, ये इंट्रागेटिव एंड नेगेटिव का। यही थी हमारी आज की क्लास, और कल हम सीखेंगे फोर्थ स्टेप ऑफ बेसिक लेवल का, और फोर्थ स्टेप है पॉजिटिव का। ओके, आज की ये क्लास थी, और जो नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी हर वीडियो आप लोगों के पास पहुंच सके। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एवरीवन स्टूडेंट्स।